एवरीवन आप सभी का स्वागत है चंदन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस स्टडी में टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद बेस्ट टॉप कंप्यूटर शॉर्टकट कीज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो फर्स्टली यू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस आइकन शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स एंड क्लिक लाइक बटन ओके स्टूडेंट्स सो इन दिस पार्ट वी हैव मैनी शॉर्टकट कीज यूज इन एम एस वर्ड सो वी डिस्कस अबाउट दिस शॉर्टकट कीज सो डेज़ फर्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस पी तो स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस पी का उपयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस एस का उपयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग रीडो के लिए किया जाता है आप अंडू और रीडो के बारे में जानते ही होंगे अंडू का मतलब जो भी आपने सेलेक्ट टेक्स्ट किया है वो खराब किया है उसको हटाना है तो अंडू करते हैं और जो खराब करके बैक किया था उसको दोबारा लाने के लिए ठीक करके उसको रीडो कहा जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस बी का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है जो भी आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको बोल्ड करते हैं कंट्रोल प्लस बी के थ्रू नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक करने के लिए किया जाता है जो भी आपने सेलेक्ट किया है टैक्सट उसको इटैलिक किया जाता है कंट्रोल प्लस आई से नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू तो कंट्रोल प्लस यू का उपयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है सिलेक्ट टेक्स्ट को नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है जो भी आपने लाइन या डॉक्यूमेंट पैराग्राफ कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज जो भी आपने पेज पे कंटेंट लिखा है जो भी पैराग्राफ लिखा है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है उससे अगला है कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग ब्लैक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है ओपन यू ब्लैक डॉक्यूमेंट ओके नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ओ तो कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग ओपन ऑप्शन को निकालने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस ओ की ऑप्शन मदद मतलब से ओपन ऑप्शन सामने आता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ तो कंट्रोल प्लस एफ की मदद मतलब से फाइंड बॉक्स ओपन होता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस के कंट्रोल प्लस के की हेल्प से लिंक को इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ है उसमें साथ में नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग किया जाता है और कंट्रोल प्लस एच का उपयोग भी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए किया जाता है उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट पैराग्राफ के अलाइनमेंट किया जाता है जस्टिफाई चाहे ऊपर चाहे नीचे आगे या सेंटर ओके okay? जस्टिफाई का मीनिंग आप समझते हो पैराग्राफ को जस्टिफाई किया जाता है उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है थोड़ा सा ड्रैग करके जो साइड में या बीच में लाया जाता है ओके सेलेक्टेड टेक्स्ट को उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी कंट्रोल प्लस टी का उपयोग इंडेंट हैंगिंग करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी फोट ऑप्शन को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किया जाता है उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कॉपी प्लस डिलीट करने के लिए किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया इससे डिलीट भी होता है और इसे जो आपने डिलीट किया है टेक्स्ट वो कॉपी भी हो जाता है आप दोबारा उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी के थ्रू ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट जो भी आपने सेलेक्ट टेक्स्ट किया है सेलेक्टेड टेक्स्ट लिया है उसको लेफ्ट में अलाइन कर देता है ओके उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन ई तो कंट्रोल प्लस ई सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में कर देता है ओके okay? नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट तो इसमें सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करके राइट right में किया जाता है नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एफ थ्री तो शिफ्ट प्लस एफ थ्री का उपयोग चेंज केस ऑफ लेटर्स लेटर के केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस एफ थ्री का उपयोग किया जाता है उससे नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ऑप्शन ये आपके कंप्यूटर में साइंस होंगे इन साइंस को ध्यान से याद कर लेना तो इसका फोन साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ओके नेक्स्ट वी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेकेंड साइन ग्रेटर देन तो इसका ऑप्शन उपयोग डिक्रीज फोन साइज के लिए किया जाता है फोन साइज को डिक्रीज़ करने के लिए किया जाता है ओके okay. नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एरो कीज़ सेलेक्ट वन लेटर एट अ टाइम शिफ्ट प्लस एरो कीज़ की मदद मतलब से जो भी आपने लेटेस्ट लेटर लिखा है उसको सेलेक्ट करते हैं उस समय एट अ टाइम ओके नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो कीज़ सेलेक्ट्स वन वर्ड एट अ टाइम जो भी आपने उस समय वर्ड लिखा है उसको सेलेक्ट करता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरोज फिर आप उसे कॉपी भी कर सकते हो या पेस्ट भी कर सकते हो ओके okay. उससे नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंड और होम सेलेक्ट लाइंस और टेक्स्ट एट अ टाइम वो जो आप लाइन में हैं उसको पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेता है उस समय ओके okay. तो ये थी आज की एम एस वर्ड की लेटेस्ट फुल फॉर्म्स जो मैंने आपको सभी को करवा दी हैं तो एट लास्ट मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट हैं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आइकन जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दें सो so, हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू इन आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस स्टडी टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद बेस्ट कंप्यूटर शॉर्टकट कीज यूज्ड इन एम एस एक्सएल सो फर्स्टली यू सब्सक्राइब माय चैनल शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन एंड क्लिक लाइक बटन ओके स्टूडेंट्स सो वी डिस्कस अबाउट दिस शॉर्टकट कीज सो फर्स्ट शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस पी प्रिंट तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ टू एडिट द सेलेक्टेड सेल सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए एफ टू का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट एफ फाइव गो टू अ स्पेसिफिक चेल स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए एफ फाइव का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट एफ सेवन सेलेक्टेड स्पेल चेक सेलेक्टेड टैक्स एंड ओ डोमेंट ओके सेलेक्टेड टैक्स ओ डॉक्यूमेंट में स्पेल चेकिंग के लिए एफ सेवन का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है F11 इलेवन क्रिएट चार्ट चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 इलेवन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम एंटर द करंट टाइम करंट टाइम को एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम एंटर द करंट डेट करंट डेट को एंटर करने के लिए नेक्स्ट है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ वन इंसर्ट न्यू वर्कशीट न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए Shift plus F3 open the Excel formula window. Excel formula window को open करने के लिए Shift plus F3 के द्वारा Next Shift plus F5 bring up search box. सब search box को bring up करने के लिए Shift plus F5 का उपयोग किया जाता है Next Control plus A select all contents of worksheet. आप सभी जानते हैं Control plus A select all contents of worksheet. पूरे कंटेंट वर्कशीट में जो भी लिखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाइलाइट सिलेक्शन बोल्ड करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई इटेलीसाइज हाईलाइटर सिलेक्शन कंटेंट को इटैलिक करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी पेस्ट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डी फिल नेक्स्ट कंट्रोल प्लस के इंसर्ट डॉक्यूमेंट में लिंक को इंसर्ट करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी ओपन गो टू ऑप्शन गो टू ऑप्शन को ओपन करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आप कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एच से ओपन फाइंड बॉक्स एंड रिप्लेस ऑप्शन ओपन कर सकते हैं ठीक है फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन हाईलाइटर सेलेक्शन अंडरलाइन हाईलाइटर सेलेक्शन ओके नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वाई अंडरलाइन सेलेक्ट टैक्स सेलेक्ट टैक्स को अंडरलाइन करने के लिए भी कंट्रोल प्लस यू और वाई का उपयोग किया जाता है एक्सल में नेक्स्ट कंट्रोल प्लस फाइव स्ट्राइक थ्रो हाईलाइटर सेलेक्शन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ओ ओपन ऑप्शन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एस सेव नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड अंडू लास्ट एक्शन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ नाइन मिनीमाइज करंट विंडो करंट विंडो को मिनीमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ नाइन का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ टेन करंटली सिलेक्टेड विंडो ओके

नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी मूव और मूव टू नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ टैक्स नेक्स्ट कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्टेड इंटायर कॉलम इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए जिस जिसपे आपने क्लिक किया है नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस सिलेक्ट इंटायर रो रो को सेलेक्ट करने, करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग किया जाता है और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग किया जाता है ओके Next, Ctrl plus W, close document. So, these shortcut keys are complete. So, at last, you subscribe my channel and press bell icon, share this video to all friends. So, thanks for watching this video.